Let us see this question of continuity. Fx is root 2 cos x minus 1 upon cot x minus 1 if x is not equal to pi by 4. Find value of f pi by 4 so that fx become continuous at x is equal to pi by 4. Fx हमें given है root 2 cot x minus 1 for x not equal to pi by 4. एंड एफ पाई बाई फोर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, राइट? वी नो फॉर ए फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस लिमिट ऑफ फंक्शन मस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं पाई बाई फोर पे. सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर किसके इक्वल होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू एफ पाई बाई फोर. Limit x tending to pi by 4 fx, it must equal to f of pi by 4. ये f pi by 4 के equal होनी चाहिए, right? So, let us try to find this limit, limit x tending to pi by 4. Limit x tending to pi by 4 fx will be लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर एफ एक्स. एफ एक्स की हमें क्या वैल्यू रखनी है? रूट टू कॉस एक्स, रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस वन. ठीक है, देखिए जरा, अगर इसमें आप डायरेक्टली पाई बाई फोर पुट करेंगे इट विल बी ए जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, राइट? सो इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा. फॉर दिस रूट टू कॉस एक्स माइनस वन जो न्यूमरेटर में टर्म है दैट इज जीरो. एंड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना, न्यूमरेटर में सेम, न्यूमरेटर में रूट टू कॉस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड इफ यू मल्टीप्लाई इट वी शुड डिवाइड ऑल्सो, राइट? टू टू रूट कॉस एक्स प्लस वन, राइट? अच्छा, डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये भी जीरो अपॉन जीरो बना रही है, राइट? इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा. सो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर. न्यूमरेटर में जो टर्म है दैट दिस इज ए माइनस बी एंड दिस वन इज ए प्लस बी. जो दो टर्म हमारी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, सो इट विल बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. अगर हम इस टर्म का स्क्वेयर करेंगे, रूट टू का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? टू कॉस का स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन स्क्वेयर विल बी वन. सो इट इज टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन. कॉट एक्स माइनस वन, कॉट एक्स को अगर चेंज किया जाए, कॉट एक्स को चेंज किया जाए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस वन, और यहाँ पर एलसीएम लगा लिया जाए देन इट विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट? अपॉन साइन एक्स, अपॉन साइन एक्स. सो दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. और इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये लिखा जाएगा न्यूमरेटर में साइन एक्स अपॉन दिस टर्म. अब ये टर्म बाकी बची है, इस टर्म का मैज इट इज लिखेंगे रूट टू कॉस एक्स प्लस वन. ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी. नाउ दिस इज टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, दिस इज टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन. इसका क्या करेंगे? क्योंकि ये जीरो बना रहा है, राइट? सो टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन को हम लिख सकते हैं कॉस टू एक्स. कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी होती है, एंड कॉस टू एक्स को अगेन हम चेंज करेंगे कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स. दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी ऑफ कॉस टू एक्स. ओके, दिस इज लाइक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. इसके अगर दो फैक्टर किए जाए दोज विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इन टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. सो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर. इस टर्म को आप किस में लिखेंगे? हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इन टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज रहा. एंड डिनोमिनेटर की जो सेकेंड टर्म है रूट टू
कॉस एक्स प्लस वन, ये भी एज इट इज रहेगी। इनटू न्यूमरेटर में एक टर्म और है हमारे पास साइन एक्स, राइट। नाउ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो सकते हैं। अब हमारे पास बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट, इनटू साइन एक्स एंड अपॉन में क्या है रूट टू कॉस एक्स। इनमें से कोई भी टर्म जीरो नहीं है, इसलिए हम लिमिट पुट कर सकते हैं। सो कॉस एक्स यानी कि कॉस पाई बाई फोर दैट इज़ वन बाई रूट टू प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई फोर दैट इज ऑल्सो वन बाई रूट टू इंटू साइन एक्स दिस इज वन बाई रूट टू। साइन में एक्स के जगह पाई बाई फोर पुट करना है एंड साइन पाई बाई फोर क्या होता है वन बाई रूट टू, करेक्ट। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज दिस, ये टर्म बची हुई है बाकी, सो रूट टू एज इट इज रहेगा। रूट टू कॉस एक्स यानी कि कॉस पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर इज वन बाई रूट टू प्लस वन एज इट इज, राइट। नाउ व्हाट विल बी दिस, वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू दैट इज टू अपॉन रूट टू इंटू दिस इज वन बाई रूट टू। नाउ दिस टू विल कैंसिल आउट, सो वन बाकी बचेगा यहां पर प्लस वन, राइट। सो दिस इज टू अपॉन टू, रूट टू इंटू रूट टू मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा टू, टू अपॉन टू अपॉन दिस इज ऑल्सो टू, दिस टू विल कैंसिल ईच अदर सो इट इज हाफ, राइट। सो लिमिट एक्स हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर एफ एक्स, ये हमने फाइंड किया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर एफ एक्स एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई हाफ। नाउ वी नो दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर एफ एक्स इज हाफ एंड वी नो फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस लिमिट ऑफ फंक्शन मस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। नाउ For fx to be continuous, limit x tending to pi by 4 fx must equal to f of pi by 4. F pi by 4 हमें नहीं पता क्या है, but हमें ये पता है limit x tending to pi by 4 fx is 1 by 2. This implies 1 by 2 is equal to f of pi by 4. That is, for fx to be continuous at x is equal to pi by 4, limit of this function should be, value of f pi by 4 should be half, right? So it was an important question. Already bhi board mein aaya hua hai and there are lot of chances to come again, right?